कानपुर में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड सामने आए हैं। गर्ल्स हॉस्टल के एक कर्मचारी को हॉस्टल की छात्राओं ने नहाते हुए वीडियो बनाते रंगे हाथ पकड़ा, उसको पीटा और पुलिस को सौंप दिया। कोचिंग मंडी में साई निवास नाम का एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें करीब 70 छात्राएं रहती है। गुरुवार दोपहर एक छात्रा नहा रही थी, तभी कुछ छात्राओं ने वहां पर काम करने वाले सफाई कर्मी ऋषि को पकड़ लिया। वह छात्रा का नहाते हुए वीडियो बना रहा था। छात्राओं ने उसे पीटने के बाद पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। वहीं थोड़ी देर बाद गुस्साई छात्राएं रावतपुर थाने पहुंची, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। तो वहां पे आज जब सुबह जो सफाई करने वाला आया था तो सुबह एक लड़की नहा रही थी, तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो। तो उसके बाद जब उस ये सब शोर वगैरह हुआ तो पता चल मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फ़ोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फ़ोन चेक हुआ तो उसमें पता चलता कि उसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि जो उसने शूट की रखी थी हम लोग की, उसमें पता नहीं कितनी लेकिन काफ़ी सारी थी। स्क्रॉल करके काफ़ी सारी उसने डिलीट भी कर दी थी। और जो वो थे जो ऑनर वगैरह थे वहाँ के वार्डन, वो वहाँ की सपोर्ट कर रही थी उसको कि हम इतने टाइम से कर रहा है काम, हमको विश्वास ही ऐसा नहीं करेगा। अफसरों ने छात्राओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब वह शांत हुई। छात्रा ने पुलिस को बताया कि बाथरूम का दरवाजा बंद था, साइड से आरोपी मोबाइल भीतर डालकर वीडियो बना रहा था। और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पे हम लोग सख्त कार्रवाई। शिकायत जैसे अभी तक जो प्रारंभिक शिकायत थी कि कुछ लोगों का इसने वीडियो बनाया है, तो वो भी हम लोग इसीलिए उसके फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी लड़कियां आई थी शिकायत करने यहाँ पे? अभी तो जो भी एक तो मूल लड़की थी जो नीट की तैयारी कर रही थी, सबसे पहले उसी ने शिकायत किया, फिर उसके साथ में 10-12 लोग आई थी। तो हम लोग जो भी तथ्य आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, जो और कोई कर्मचारी या कोई अन्य उसमें कोई है तो उसके विरुद्ध जो भी होगा नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर्मचारी की। हॉस्टल की छात्राओं ने बताया कि आरोपी का मोबाइल उन्होंने छीन लिया था, उसमें नहाते हुए कई छात्राओं के वीडियो शामिल है। मामले में आरोपी सफाई कर्मी व केयर टेकर मनोज पांडे पर केस दर्ज किया गया है और वार्डन भी गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।